नमस्ते छात्रों, मैं प्रिया शर्मा प्रभात किड स्कूल से आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज की इस तासिका में हम कक्षा 7 से एक कविता जिसका नाम है एक तिनका, यह सीखेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो सबसे पहले कवि के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सन 1947 ईस्वी में निजामाबाद में आपका देहावसन हो गया था। तो छात्रों, यह थी कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में कुछ जानकारी। प्रस्तुत कविता एक तिनका में उन्होंने मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, यह सीख देते हुए इस कविता को उन्होंने लिखा है, क्योंकि जो घमंड करता है उसका घमंड जो है अंत में चूर ही होता है। तो चलिए कविता को देखते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन कवि अपने घमंड में ऐठा हुआ अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। छत की मुंडेर अर्थात छत का किनारा, जहां से हम लोग खड़े रहकर नीचे की ओर या सड़क की ओर या बाहर की ओर देखते हैं, तो उसे कहते हैं मुंडेर। तो एक दिन कवि छत की मुंडेर पर खड़ा था घमंडों में ऐठा हुआ, यानी कवि जिस चाल में खड़ा था वह पूरी तरह से नजर आ रहा था कि वह बहुत ऐठा हुआ खड़ा है, अर्थात कवि के अंदर बहुत सारा घमंड समाया हुआ है। अपने घमंड के कारण वह किसी को कुछ भी नहीं समझता था। कवि जिस दशा में, जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में वहां पर खड़ा था, वह कुछ इस तरह से खड़ा था कि वह किसी को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था, उसके लिए सभी लोग तुच्छ थे। तभी अचानक दूर से एक तिनका, तिनका किसे कहते हैं, घास जो होती है, सूखी घास जो होती है, अचानक उसका एक छोटा सा टुकड़ा कवि की आंख में आके पड़ गया। इससे जो है कवि को पीड़ा होने लगी। जब भी हमारी आंख में कुछ जाता है तो हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो आंख होती है वो बहुत ही नाजुक होती है। तो कवि निम्न पंक्तियों में उन्होंने बताया है कि जब वह मुंडेरे पर खड़े थे और वह बाहर का सभी दृश्य, सुहावना दृश्य वह देख रहे थे और बिल्कुल वह घमंड से भरे हुए थे, उन्हें ऐसे लग रहा था कि उनके जैसा कोई भी नहीं है, परंतु अचानक से एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आंख में चला गया और जिससे वह बेचैन होने लगे, उन्हें पीड़ा होने लगी। आगे की पंक्तियां देखते हैं। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लगे लोग कपड़े की, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब कवि की आंख में तिनका पड़ने से जो घमंडी कवि की जो दशा हुई उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। जैसे ही कवि की आंख में तिनका पड़ा तो उन्हें पीड़ा होने लगी, वह दर्द से परेशान होने लगे। हमारी आंख में कुछ आता है तो हम भी बिल्कुल आंखों को बंद करके उसे मलने लगते हैं, है ना। तो कवि भी कुछ इस तरह से अपनी आंखों को रगड़ने लगे और उनकी आंखों में अत्यंत पीड़ा होने लगी। पीड़ा अर्थात उन्हें बहुत ही दर्द होने लगा। झिझकना मतलब एकदम अचकचा जाना, वो एकदम से सरप्राइज हो गए और उन्हें ऐसे लगा कि ये क्या हो गया। तो जो कवि एंट में बहुत ही अकड़े हुए खड़ा था वहां पर, वह अचानक से जो है तकलीफ में आ गया और अचानक से उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। उनकी आंख लाल हो गई और पीड़ा भी बढ़ गई। उनका दर्द कम करने तथा तिनका निकालने के लिए लोग कपड़े की मूठ देने लगे। कपड़े की मूठ अर्थात जब हमारे आंख में कुछ चला जाता है तो कपड़े को गोल गोल कर उसे
अपनी आंख पर लगाते हैं। तो कई लोग जिन्हें वह तुच्छ समझता था, वैसे लोग उनके पास आए और उनको मूठ देने लगे। दर्द से परेशान जो कवि थे, कवि की अकड़ जो है दबे पांव चली गई। मतलब जिस तरह से वो खड़े थे ऐंठ कर बिल्कुल अपने मुंडेरे पर एक तिनके ने आकर उनका जो सारा घमंड है, उनकी जो सारी अकड़ है, वह उसे उन्होंने वो भाग गई, मतलब दबे पांव भाग गई। दबे पांव भाग जाना एक मुहावरा है इसके अंदर। तो कवि की जो अकड़ थी वह दबे पांव चली गई, मतलब बिना किसी आवाज के शांतता से वह वहां से चली गई। तीसरे काव्यांश में कवि ने बताया है, जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसमें ढप का अर्थ है तरीका, ढप यानी किस तरह से उस तिनके को लोगों ने निकाला है। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, कई लोग आए, कवि अपनी आंख मरोड़ने लगे, रगड़ने लगे, लोग उन्हें मूठ देने लगे। किसी तरह बहुत प्रयास के बाद जब वह तिनका उनकी आंख से निकल गया, तब कवि को थोड़ा सा चैन आया और तब कवि को समझ में आया कि मैं किस लिए इतना ऐंठ रहा था, मैं किस लिए इतना घमंड में खड़ा था, मैं किस लिए इतनी अकड़ में खड़ा था। घमंडी की आंख में से लोगों ने किसी तरीके से तिनका निकाल दिया और उनकी जो पीड़ा है वह कम हो गई। तब कवि की अकल ने उसे ताने दिए, उसे यानी किसे, यहाँ कवि को उन्होंने ताने दिए, तो किस बल पर इतना अकड़ रहा था जो तुम इस तरह ऐंठ कर अपने मुंडेर पर खड़े थे, तो किस बल पर आप इतने अकड़ रहे थे, तुम्हारे लिए तो बस एक तिनका ही काफी है। अर्थात मनुष्य की अकड़ निकालने के लिए एक तिनका ही यहाँ पर काफी है। ताने देना भी एक मुहावरा होता है। ताने देना को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, टॉन्ट मारना, किसी को टॉन्टिंग करना। तो इस तरह से कवि ने इस यह जो एक दिन का कविता है, इसमें उन्होंने एक मनुष्य की दशा को बताया है, जो बहुत ही घमंड से रहता था, जो बहुत ही अकड़ में रहता था, उसकी अकड़ को दूर करने के लिए क्या काफी है, केवल एक छोटा सा तिनका। तिनका अर्थात एक सूखी घास का छोटा सा टुकड़ा, जिसे तृण भी कहा जाता है ना। तो यह इस कविता का सारांश था। एक बार पुनः इस कविता को देख लेते हैं। धन्यवाद।